सरकार 3 का फर्स्ट लुक रिलीज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। बिग बी इस बार कुछ अलग अंदाज में फिल्म सरकार 3 में नजर आने वाले हैं। सरकार 3 फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में फिल्म में मौजूद सभी मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है। राम गोपाल वर्मा निर्देशित सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ इस बार मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, अमित साध और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काबिल फिल्म में बेहतरीन अभिनय का तारीफ बटोरने वाली यामी गौतम इस फिल्म में काफी अग्रेसिव रोल में है। मनोज बाजपेयी एक पॉलिटिशियन के किरदार में है। हालांकि सरकार राज में अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन बेटे बने अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। कारण यह है कि सरकार राज के क्लाइमेक्स में अभिषेक बच्चन की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अमिताभ बच्चन की बहू, जो कि सरकार राज का एक अहम किरदार थी, वो भी सरकार 3 का हिस्सा नहीं है। अमिताभ बच्चन सरकार के उसी रौबदार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी। सरकार 3 का फर्स्ट लुक रिलीज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। बिग बी इस बार कुछ अलग अंदाज में फिल्म सरकार 3 में नजर आने वाले हैं। सरकार 3 फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में फिल्म में मौजूद सभी मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है। राम गोपाल वर्मा निर्देशित सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ इस बार मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, अमित साध और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काबिल फिल्म में बेहतरीन अभिनय का तारीफ बटोरने वाली यामी गौतम इस फिल्म में काफी अग्रेसिव रोल में है। मनोज बाजपेयी एक पॉलिटिशियन के किरदार में है। हालांकि सरकार राज में अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन बेटे बने अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। कारण यह है कि सरकार राज के क्लाइमेक्स में अभिषेक बच्चन की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अमिताभ बच्चन की बहू, जो कि सरकार राज का एक अहम किरदार थी, वो भी सरकार 3 का हिस्सा नहीं है। अमिताभ बच्चन सरकार के उसी रौबदार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी। सरकार 3 का फर्स्ट लुक रिलीज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। बिग बी इस बार कुछ अलग अंदाज में फिल्म सरकार 3 में नजर आने वाले हैं। सरकार 3 फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में फिल्म में मौजूद सभी मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है। राम गोपाल वर्मा निर्देशित सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ इस बार मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, अमित साध और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काबिल फिल्म में बेहतरीन अभिनय का तारीफ बटोरने वाली यामी गौतम इस फिल्म में काफी अग्रेसिव रोल में है। मनोज बाजपेयी एक पॉलिटिशियन के किरदार में है। हालांकि सरकार राज में अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन बेटे बने अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। कारण यह है कि सरकार राज के क्लाइमेक्स में अभिषेक बच्चन की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अमिताभ बच्चन की बहू, जो कि सरकार राज का एक अहम किरदार थी, वो भी सरकार 3 का हिस्सा नहीं है। अमिताभ बच्चन सरकार के उसी रौबदार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी। सरकार 3 का फर्स्ट लुक रिलीज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। बिग बी इस बार कुछ अलग अंदाज में फिल्म सरकार 3 में नजर आने वाले हैं। सरकार 3 फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में फिल्म में मौजूद सभी मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है। राम गोपाल वर्मा निर्देशित सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ इस बार मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, अमित साध और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काबिल फिल्म में बेहतरीन अभिनय का तारीफ बटोरने वाली यामी गौतम इस फिल्म में काफी अग्रेसिव रोल में है। मनोज बाजपेयी एक पॉलिटिशियन के किरदार में है। हालांकि सरकार राज में अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन बेटे बने अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। कारण यह है कि सरकार राज क्लाइमेक्स में अभिषेक बच्चन की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अमिताभ बच्चन की बहू, जो कि सरकार राज का एक अहम किरदार थी, वो भी सरकार 3 का हिस्सा नहीं है। अमिताभ बच्चन सरकार के उसी रौबदार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी।